सुरैया ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की वो दिलकश अदाकारा थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में रहकर अपनी कई सुपर डुपर हिट फिल्मों में शानदार एक्टिंग करने के साथ अपनी खूबसूरती का जादू भी हर किसी के दिलों पर चलाया था। आज इनके गुजर जाने के बाद लोग इन्हें याद करते हैं, लेकिन दोस्तों वैसे तो आप अभिनेत्री सुरैया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनके आखिरी जर्नी के बारे में जानते हैं कि इन्होंने किस तरह और किन हालातों में अपना दम तोड़ा? आखिर इनकी मौत का पूरा सच क्या है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। पर उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को गुजरवाला पाकिस्तान में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं से कम्प्लीट की। बात करें इनके अभिनय करियर की, तो बचपन से ही एक्टिंग में ज्यादा दिलचस्पी होने के चलते साल 1936 की फिल्म मैडम फैशन से महज 7 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में आ गई थी, जिसके बाद इन्हें 12 से 13 साल की उम्र में तमन्ना और कानून फिल्म में काम करने का मौका मिला था। लेकिन पूरे जगत में ये फिल्म अनमोल घड़ी से फेमस हुई थी, जहां ये अपने करियर में 4 चांद लगाने के बाद इन्हें बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के ऑफर आने लगे। इन्होंने 67 फिल्में की और 338 गाने गाए, जिसमें इनकी खूबसूरती की खूब वाहवाही होती थी और लाखों लोग इनके चाहने वाले थे, जो सभी इन पर मर मिटते थे। लेकिन अगर बात की जाए इनके आखिरी जर्नी की, तो हम आपको बता दें कि इनकी मौत के पीछे का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। जी हाँ, दरअसल ये अपनी 75 साल की उम्र में भी अच्छे से खा पी रही थी। ये बाहर से कोमल पर अंदर से इतनी कठोर थी कि इन्हें कोई बीमारी नहीं लगती थी। बावजूद इसके एक दिन ऐसा आया कि बिना कुछ हुए 31 जनवरी 2004 को ये इस दुनिया को छोड़कर चली बसी। और दुख की बात यह है कि इनकी मौत के वक्त इनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। जी हाँ, उस वक्त इनकी फैमिली का कुछ अता पता नहीं था और इन्होंने जीते जी किसी से शादी नहीं की थी, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही अभिनेता देवानंद से प्यार किया था, जो इन्हें कभी नहीं मिल पाया। इसीलिए ये जीवन भर कुंवारी रही। इसीलिए इनके गुजरते वक्त इनके आगे पीछे कोई नहीं था, जिसके चलते लोगों ने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। वेल दोस्तों, क्या आप एक्ट्रेस सुरैया को याद करते हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।